मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करें। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 और 15। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया क्रूस पर विजय का पर्व मनाती है। ये क्रूस हम लोगों के लिए एक जीवन का प्रतीक है, नयापन का प्रतीक है, मुक्ति का रास्ता है। संत पौलुस कहते हैं किसी के लिए क्रूस हो सकता है लज्जित करने वाला प्रतीक है, लेकिन हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उन्हें जीवन का प्रतीक है। और ये आज का पर्व याद दिलाता है किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस घोर पीड़ा लेकर क्रूस की मौत अपनाई थी। क्रूस पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। क्रूस वो चिन्ह है जिस रास्ते को चलते हुए ही नया जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पुनर्जीवित होकर प्रमाणित किया कि मृत्यु, शैतान, पाप, बुराई और अंधकार पर हम विजय पा सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। प्रभु जी उठे हैं और कभी नहीं मरेंगे, संत पौलुस कहते हैं। प्रभु जी उठे हैं और कभी नहीं मरेंगे। हम सबके लिए क्रूस विजय एवं मुक्ति का प्रतीक बनना है। उस क्रूस को अपनाते हुए हमारे दैनिक जीवन के दुख तकलीफों को आगे बढ़ना है, क्योंकि स्वयं संत मत्ती का सुसमाचार में प्रभु याद दिलाते हैं, यदि आप मेरा अनुसरण करना चाहें अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे करो, मेरा साथ चलो। गन्ना गंत आज का पहले पाठ में हम पढ़ते हैं, लोगों को जब विषैले सांप काट मर गए थे, जिन्होंने क्रूस शरीर के लकड़ी पर खांसे की बनाए सांप की ओर आंखें उठाए, सबके सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, क्योंकि ईश्वर हमारी अपनी प्रजा पर बहुत प्यार करता है, असीम दयालुता दिखाता है। इसलिए उन्होंने एकलौते पुत्र को भेजा था, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3। और उन्होंने उस क्रूस बलिदान द्वारा हम लोगों का उद्धार किया है। आज मेरे लिए क्रूस क्या है? केवल दिखावे का प्रतीक है, चिन्ह है, फैशन बन गया है। यह क्रूस जब मैं पहन के घूमता हूं या क्रूस का चिन्ह लेता हूं, मेरा जीवन में या मेरा मन में क्या विचार आते हैं कि स्वयं मैं उस क्रूसित प्रभु और पुनर्जीवित प्रभु को धारण करते हुए जीवन बिताता हूं? मेरे लिए क्रूस क्या है आज? क्या मेरा क्रूस भारी है, या प्रभु के कारण कितने भी भारी क्रूस लादने में मैं हिचकिचाता नहीं, मैं पीछे नहीं हटता हूं? आज वही क्रूसित पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने उस क्रूस को उठाते हुए सभी बुराइयों से विजय पाया था, हम भी उसी क्रूस को देखते हुए, उसी क्रूस के अनुसार जीवन बिताते हुए, उस क्रूस को चिन्ह जब अंकित करते अपने माथे में, हृदय में, हम प्रभु को याद करें, प्रभु की कृपा को याद करें, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए उस क्रूस के द्वारा ही जीवन दिया है। आइए सब प्रभु पर अपने आस्था रखते हुए प्रभु पर अपने जीवन को ढालते हुए प्रार्थना करें, कृपा करें, ताकि हम क्रूस के द्वारा ही विजय पाए। संत पौलुस के समान कहें, हम क्रूस के द्वारा ही विजय पाए। आमीन।